डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सेकंड के अंदर चैप्टर 12 डेयरी केमिस्ट्री में दूध में पाए जाने वाले जो अवयव है उनका जो संक्षिप्त विवरण, उसी में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं लैक्टोज का पोषक महत्व। लैक्टोज जो होती है उसका पोषक महत्व क्या होता है? लैक्टोज का पोषक महत्व, डियर स्टूडेंट, लैक्टोज जो होता है दूध में ऊर्जा का जो मान है उसमें वृद्धि कर देता है। लैक्टोज क्या काम करता है? दूध में ऊर्जा के मान में वृद्धि कर देता है। लैक्टोज शरीर में विटामिन के संश्लेषण में क्या होता है? सहायक होता है। आंत द्वारा कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण में क्या होता है? सहायक। लैक्टोज जो होता है आंत में क्या उत्पन्न करता है? लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है जो अमल उत्पादक जीवों के लिए के विकास को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। और पैथोजेनिक जीवाणु जो होते हैं उनकी वृद्धि में क्या होता है? सहायक। लैक्टोज का प्रमुख अवयव जो होता है वो कौन सा होता है? गैलेक्टोज होता है जो किसमें सहायक होता है? मस्तिष्क एवं नाड़ी संस्थान में सहायक होता है। लैक्टोज जो होती है वो अन्य शर्कराओं की अपेक्षा अधिक स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो यहाँ से लैक्टोज का जो पोषक महत्व क्या बताया डियर स्टूडेंट कि लैक्टोज जो होता है वो दूध में ऊर्जा के मान में क्या कर देता है? वृद्धि। लैक्टोज जो है वो विटामिन के संश्लेषण में क्या होता है? सहायक। कैल्शियम, लैक्टोज जो होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में क्या होता है? सहायक। लैक्टोज का प्रमुख अवयव जो होता है गैलेक्टोज जो होता है वो नाड़ी संस्थान में क्या होता है? सहायक। लैक्टोज जो है वो आंत के अंदर इंटेस्टाइन जो होते हैं आंतें होती हैं उनके अंदर लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है। ये लैक्टिक जो अम्ल है वो जीवाणु की वृद्धि को क्या करता है? प्रोत्साहित कर पैथोजेनिक जीवाणु की वृद्धि के विकास में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, काफी थैंक्स।